आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में जरूर सुना होगा कि अगर कोई शख्स कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया जाता है और उसको सजा भी मिलती है। लेकिन आखिर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है? सो गाइस, मैं हूं ईशान और आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गिल्टी पाए जाने वाले शख्स को कितनी सजा मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो तरह का होता है, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जब कोई अदालती आदेश हो या फिर कोई जजमेंट हो या फिर कोई डिग्री हो और उसका तय समय पर पालन ना हुआ हो तो ये मामला सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बनता है। सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामलों में पहली पार्टी अदालत को इन्फॉर्म करती है कि दूसरी पार्टी कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही है, तब कोर्ट उस दूसरी पार्टी को एक नोटिस जारी करती है जिसके ऊपर कोर्ट के आदेश का पालन करने की ड्यूटी होती है। दूसरी पार्टी को जवाब देना होता है, अगर दूसरी पार्टी के जवाब से कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो ये कार्रवाई वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर दूसरी पार्टी के जवाब से कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर दूसरी पार्टी के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया जाता है और कार्रवाई आगे बढ़ती है। दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कोई शख्स कोर्ट या फिर कोर्ट जुरिसडिक्शन को चुनौती देता है या उसकी रेपुटेशन को धूमिल करने की कोशिश करता है या कोर्ट के मान सम्मान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है या कोर्ट की किसी कार्रवाई में दखल देता है या खलल डालता है तो ये मामला क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बनता है। इस तरह की हरकत चाहे लिखकर की जाए या बोलकर की जाए या फिर अपने हाव भाव से ऐसा किया जाए, ये तमाम हरकतें क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आती है। इस तरह के मामले जैसे ही कोर्ट की नॉलेज में आते हैं तो कोर्ट ऐसा करने वालों को एक नोटिस जारी करता है। अदालत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामलों में आरोपी को नोटिस जारी करती है कि उसने जो हरकत की है वो पहली ही नजर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आती है और उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाएगी। तब वो शख्स अदालत में अपनी सफाई पेश करता है और कई बार वो बिना शर्त के माफी भी मांग लेता है। तभी अदालत पर डिपेंड करता है कि वो उसकी माफी को एक्सेप्ट करे या फिर एक्सेप्ट ना करे। अगर उसकी माफी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो ये कार्रवाई में ही खत्म हो जाती है, लेकिन अगर उसकी माफी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तब उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया जाता है और कार्रवाई शुरू होती है। अगर किसी शख्स ने अदालत में खड़े होकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया हो या अपने हाव भाव से या अपने बयान से या किसी भी तरह से अदालत के मान सम्मान को नीचा दिखाने की कोशिश की हो या उसकी रेपुटेशन को कम करने की कोशिश की हो तो ऐसे मामलों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई के लिए रेफर कर दिया जाता है। इस तरह की हरकत अगर किसी निचली अदालत में की जाती है तो निचली अदालत लिखित तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई के लिए इस मामले को हाई कोर्ट को रेफर कर देती है। अगर अदालत के मान सम्मान या डिग्निटी को धूमिल करने के लिए या फिर स्कैंडलाइजेशन के लिए ऐसी कोई हरकत की जाती है और किसी थर्ड पार्टी को इसके बारे में पता चलता है तो वो भी कोर्ट को इसकी कंप्लेंट कर सकता है। चलिए हम बात करते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामलों में कितनी सजा का प्रोविजन किया गया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट सेक्शन 15 के तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामलों को पहले एडवोकेट जनरल को रेफर किया जाता है। एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट का एक लीगल एडवाइजर होता है और उनकी रिकमेंडेशन के बाद मामले को अदालत के सामने लाया जाता है। सुनवाई के दौरान पेश किए गए फैक्ट्स को देखने के बाद हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट उस शख्स को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दोषी पाए जाने पर ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की सजा दे सकती है या फिर 2,000 रुपए का जुर्माना लगा सकती है या फिर सजा और जुर्माना दोनों का फैसला कर सकती है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, कितने तरह का होता है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामलों में कितनी सजा का प्रोविजन किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।